और इधर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक जारी है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा मीटिंग से निकली। मीटिंग में नवनियुक्त प्रभारी के सामने पहले ही दिन हंगामा हो गया। नारे लगाने के विरोध में हंगामे होने की जानकारी मिली है। एक नेता के नारे लगाए जाने पर हंगामा हुआ है। कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी और प्रभारी के नारे लगवाए। पूर्व सीएम हुड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए। इस बैठक में पूर्व सीएम हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद रहे। सूर्जेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी भी शामिल हुए। तमाम पार्टी विधायक, पदाधिकारी समेत कई नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं दो दिवसीय दौरे पर नए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक जारी है, तो कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा मीटिंग से निकली। मीटिंग में नवनियुक्त प्रभारी के सामने पहले ही दिन हंगामा हो गया। नारे लगाने के विरोध में हंगामा होने की जानकारी मिली है। और देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, नवनियुक्त प्रभारी के सामने पहले ही दिन मीटिंग में हंगामा हो गया, क्या जानकारी? और बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं दो दिवसीय दौरे पर दीपक बावरिया हैं और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में आज उनकी पहली मीटिंग जो है, ऑफिशियल मीटिंग जिसको हम कह सकते हैं, वो हुई है। और इस जो बैठक है ये अभी तक जारी है। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग में अगर हंगामे का जिक्र करें तो हंगामा इस बात को लेकर हुआ है कि एक नेता के नारे जो है वो लगाए गए, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से, अपने उनके उनके समर्थकों की तरफ से उनके नारे भी लगाने शुरू कर दिए गए। तो माहौल एकदम गर्मा गया था। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ने मोर्चा संभालते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं के नारे लगवाए, पार्टी के नारे लगवाए। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी पार्टी के नारे लगवाए गए, तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा शांत हुआ। बैठक के बाद, उसके तुरंत बाद 2 से 3 मिनट के बाद कुमारी शैलजा जो है बैठक से बाहर निकली हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी दी गई है कि उनको कहीं जाना था, उनकी फ्लाइट थी, उसके चलते वो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल वो जाते जाते खड़े कर गए। जिस प्रकार से कहा गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से जो कहीं ना कहीं छूट देने की बात की गई थी, अगले इलेक्शन के दौरान जनता को जो छूट दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली की बात करें या फिर गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात करें, तो इस तमाम मुद्दे पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि पार्टी की तरफ से कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया। इंडिविजुअल किसी का मैनिफेस्टो हो सकता है, पार्टी अपना मैनिफेस्टो तब जारी करेगी जब कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो कमेटी गठित की जाएगी, उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो मिलकर के इस प्रकार का निर्णय लेंगे। ये इंडिविजुअल किसी का फैसला हो सकता है। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम जो लोग हैं वो सीएम बनना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोग अपने अपने नारे लगवाते हैं। तो इस प्रकार की बात, बिना परमिशन के मैनिफेस्टो जारी कर देना, भले ही वो कोई भी हो, क्या सही है? ये पार्टी अलाउ करती है क्या? बिल्कुल, देखिए यही बात जो है कुमारी शैलजा से पूछी गई थी, जिनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया गया कि अभी इस प्रकार का हरियाणा कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। मैनिफेस्टो तब जारी होगा जब मैनिफेस्टो कमेटी का गठन होगा, उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो मिलकर के बैठ करके फिर जो है मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अभी तक ऑफिशियल कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की कोई जो जानकारी है वो नहीं दी गई, अभी तक इस प्रकार की कोई बैठक जो है वो नहीं हुई है। तो ऐसे में उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि इंडिविजुअल किसी का फैसला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी तमाम चीजों को लेकर वो अपनी नाराजगी जताते हुए यहाँ नजर आई थी। और उसके बाद उनकी तरफ से ऑफिशियली जानकारी सृष्टि ये ही दी गई थी कि उनको बैठक के बाद कहीं जाना है, उसकी परमिशन के लिए उन्होंने प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से बातचीत कर ली गई। इसके साथ साथ संगठन को लेकर भी कहीं ना कहीं वो निशाना साधती हुई यहाँ नजर आई है। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पहले ही दिन, पहली ही बैठक में हंगामा इस तरह से होना, उसके बाद हालांकि हंगामे को शांत तो कराया गया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये बता रहा है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो लगातार जारी है।